वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मार्किंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9। हम लोग का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का आ रहा है, ये सारा डिस्कस हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इस साल का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, मार्किंग स्ट्रक्चर है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए क्लास 9 का, सो फर्स्ट यूनिट में है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट से आपके मार्क्स आने वाले हैं 23। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि बायोलॉजी से आपका जो मार्क्स रहेगा वो 20। और मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी कि फिजिक्स से रहेगा आपका 27। और आवर एनवायरनमेंट से 6 मार्क्स, और फूड एंड फूड प्रोडक्शन 4 मार्क्स। ये टोटल 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स जो प्री डिटरमाइंड है। लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि केमिस्ट्री से 23 मार्क्स और फिजिक्स से 27 मार्क्स। ये आपको ऑल ओवर मार्किंग का बहुत अच्छा सा यूज करना है यहाँ पे। अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी थोड़ा अच्छा से पढ़ लें तो मार्क्स कहीं जाएगा नहीं। साथ ही साथ जो बायोलॉजी है उसमें आप थोड़ा सा बुक का इनसाइड स्टडी कीजिएगा, डीपली नॉलेज रखिएगा। एक एक सेंटेंस में एनसीईआरटी का हर एक अलग अलग नॉलेज है, इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है और उसको पढ़ना भी है। क्योंकि रेफरेंस बुक अगर आप यूज करते हैं तो नो डाउट उससे हेल्प मिलेगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी बुक आपको उसी समराइज वे में 4 रेफरेंस बुक का नॉलेज एक ही जगह दे देगा। यूनिट 1 में मैटर, नेचर एंड बिहेवियर में पढ़ना है आपको लोगों को डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, एवोपोरेशन, कूलिंग बाय एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। फिर नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, हेटरोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। ऑल ओवर देखा जाए तो एनसीईआरटी का टोटल टॉपिक आपको स्टडी कर लेना है। इसके साथ प्रैक्टिकल पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, मोल टू मास, यानी कि आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, उसी से आपको पढ़ना है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर, इसमें सारे चीज़ आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, वो उसका थ्योरी, उसका पोस्टुलेट्स, वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इसके साथ बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी था आपका 20 मार्क्स का। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें फर्स्ट यूनिट जो आ रहा है, यानी कि यूनिट 2, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें फर्स्ट सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूशंस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, इसका बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो बना करके, क्योंकि उस वीडियो में क्रोमोसोम्स का बहुत ही लिमिटेड वे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, समराइज वे में। नेक्स्ट है टिशू। टिशू में आपका ऑर्गेन्स, टिशू ऑर्गेन्स, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिशू। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिशू इन एनिमल्स, क्या क्या होता है, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप टिशू वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिशू इन प्लांट, तो ये टिशू से भी आपका मार्क्स रहेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर से डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक इशूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, साइलेंट फीचर्स,
नॉन कॉडेट्स अप टू फाइला एंड कॉडेट्स अप टू क्लासेस। हेल्थ एंड डिजीज, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज बायोलॉजी का लास्ट है। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन। डिजीजेज कॉज बाय माइक्रोब्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस, एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, यानी कि ये फिजिक्स का चैप्टर आ जाता है यहाँ पे। ये कितना मार्क्स का था? तो ये आपका 23 मार्क्स का था, 27। तो मोशन में सबसे पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, मोशन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, और आपका एलिमेंट्री मेथड भी आपका यूज हो जाएगा, एलिमेंट्री मेथड, अलजेब्रिक मेथड। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉ, न्यूटन्स ऑफ, न्यूटन्स लॉ से। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में सबसे पहला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल। नेक्स्ट है फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वंशी फोर्स एंड एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट चैप्टर इज कमिंग वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर बट लास्ट साउंड, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली। नेक्स्ट है ये आपका केमिस्ट्री से ही लिया जा सकता है। अवर इन्वायरमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रिस्पिरेशन, फॉर कंबसन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन्स अक्रॉस इंडिया, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये, और होल्स इन ओजोन लेयर एंड द प्रोबेबल डैमेजेस। नेक्स्ट चैप्टर बायोजियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये चार चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक आपका एक और चैप्टर बचा हुआ है, द फूड, फूड प्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट। इसमें सारा चीज़ जो है ब्रीडिंग करते हैं हम लोग खाने में, पौधे के प्लांटेशन में, ये सब सारा इसमें पढ़ा जाएगा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, खाद और सामग्री का हम लोग जो यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेज, हम लोग खरपतवार और जो ये सबसे जितना हम लोग डिजीजेज पालते हैं उससे रोकथाम कैसे किया जाएगा अपने आप को। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि हम लोग खाद को कैसे रिमूव करें अपने ज़िंदगी से, तो खेती हम लोग का ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का 9th का सिलेबस मार्क्स बेसिस पे डिवाइडेड है, और जो 20 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल पे है, जो कॉपी चेक वगैरह होता है, क्लास टेस्ट होता है, वो सबको मिला करके एक असेसमेंट किया जाता है और उसी बेसिस पे मार्किंग किया जाता है। तो आप 9th क्लास में हैं, आई होप यू विल डू योर बेस्ट, गुड लक।